गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे डॉग बाइट पे। डॉग बाइट से एक वायरस ट्रांसमिट होता है, रेबीज वायरस, 100% फेटल है। अब जब भी किसी को डॉग बाइट होता है तो हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। स्किन को चाटा है, लिक किया है, तो उसको हम बोलते हैं कैटेगरी वन, सिर्फ उसको सोप और वाटर से अपने स्किन को वॉश करना है। कैटेगरी टू बाइट, स्किन पे स्क्रैचेज हो सकते हैं, निबिंग हो सकती है, बट कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो हम कैटेगरी टू में डालते हैं। इसमें सिर्फ पोस्ट एक्सपोजर जो प्रोफिलेक्सिस होता है, जो हम वैक्सीनेशन है वो एडवाइस करते हैं। मेजर्स हैं जैसे अपने स्किन को वॉश करना है विद सोप एंड वाटर, एंटीसेप्टिक उस पर अप्लाई करना है। कैटेगरी थ्री बाइट, डॉग ने बाइट किया है, ब्लीडिंग भी हुई है, इसको हम कैटेगरी थ्री बाइट बोलते हैं। जो वूंड है उसको हमने रनिंग वाटर के नीचे रखना है, 10 से 15 मिनट तक उसको वॉश करना है विद सोप एंड वाटर, बीटाडीन अप्लाई करनी है। इसमें इंपॉर्टेंट ये आता है कि इसमें जो आप वैक्सीनेशन करवाते हैं हम, वो तो करवानी होती है, प्लस जो लोकली जो वूंड होता है जहाँ पे डॉग ने बाइट किया है वहाँ पे भी एक इंजेक्शन लगता है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, डॉग बाइट होता है और केमिस्ट के पास जाके खुद से वैक्सीनेशन करवा देते हैं, वो डोजेस भी इनकम्प्लीट लेते हैं। उसमें एक इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगानी होती है, वो कोई लगवाता नहीं है। इसमें दो तरह की रिजीम्स होती हैं, एक होता है जो इंट्राडर्मल, जो कि शोल्डर्स पे लगता है, दोनों साइड पे एक ही बार में लगेगा, और इसकी टोटल 4 डोजेज होती हैं। एक सेकेंड टाइप ऑफ शेड्यूल को हम इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, उसमें टोटल 5 डोजेज होती हैं, भी शोल्डर पे लगती हैं बट वो इंट्रामस्कुलर लगती है। हर एक हॉस्पिटल में होता है रेबी सेक्शन, वहाँ पे जाके प्रॉपरली खुद को वैक्सीनेट करवाएं।